तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग कैसे मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होता है। तो इसमें हम क्लास का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास ए, और इसके अंदर हम लोग एक मेथड को क्रिएट करेंगे। पहले हम तो कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे इसके अंदर एक मेथड भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मैं लिखता हूँ इंट्रो, और यहाँ पे पेरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं लिखता हूँ, इसका एक ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट माई ओबीजे इक्वल टू न्यू, और उसके भी पहले मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जो इस क्लास ए को इनहेरिट करेगा। तो मैं क्लास बी को भी यहाँ पे बांध लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास बी एक्सटेंस ई एक्स टी ई एन एक्सटेंस ए, और यहाँ पे ये जो क्लास जो बी होता है वो क्लास ए का जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है जो मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस में दिखाया था वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे नहीं दूंगा अभी, पर यहाँ पे न्यू यहाँ पे मैं क्लास बी को क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे बी के अंदर मैं कुछ यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ आकाश, और इसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर भी इसे गेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर देता हूँ नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट नेम इजल टू नेम। तो मैंने इस जो दिस को कैसे यूज किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कैसे यूज किया जाता है वो मैं पहले वीडियो में मैं बता दिया था। तो यहाँ पे आप लोग उस वीडियो को एक्सेस कर लेना। यहाँ पे मैं सिर्फ दिखाऊंगी मेथड ओवरराइडिंग को कैसे किया जाता है। और यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इंट्रो में एक यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, और लॉग के अंदर मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटल्स को यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई नेम इच डॉलर कर्ली ब्रेसेस दिस डॉट नेम। तो यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे मैं एक्सेस करना चाहूँ माई ओबीजे डॉट इंट्रो को, तो इंट्रो एक फंक्शन है, तो मुझे यहाँ पे पैरेंथेसिस को देना है। तो इसके बाद मैं अगर इसको सेव करूँ और यहाँ पे रन करूँ, तो आप लोग देख सकते हो माई नेम इज आकाश यहाँ पे आ गया है। और इसके बाद हमारा आता है मेथड ओवरराइडिंग। तो अगर ये मैं बी क्लास को यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, अगर मैं ए क्लास को एक्सेस कर रहा था तो ए मुझे मिलेगा, बट बी को मैं जब एक्सेस कर रहा हूँ तो ए का चीज़ मुझे मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस परफॉर्म किया है। तो यहाँ पे अगर कोई इंट्रो नाम का और एक फंक्शन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो सकता है बेस क्लास के अंदर भी सेम फंक्शन और डिराइव क्लास के अंदर भी सेम फंक्शन हो सकता है। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ और एक कंसोल लॉग के अंदर, मैं यहाँ पर लॉग करता हूँ माई नेम इच विकास। तो यहाँ पे अगर मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे रन कर बताऊँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माई नेम इज विकास आ गया है। तो यहाँ पे जो भी चाइल्ड क्लास के अंदर जो भी डिराइव क्लास होगा उसके अंदर अगर कुछ फंक्शन है वो बेस क्लास के अंदर भी है, तो यहाँ पे पहले जो प्रेफरेंस होगी वो यहाँ पे डिराइव क्लास के अंदर होगी, बेस क्लास की नहीं होगी, उसके पेरेंट का नहीं होगा। यहाँ पे जो चाइल्ड होगा जिसके साथ हम लोग वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे हैं जिस क्लास के अंदर से, उसी क्लास का जो फंक्शन होगा वो पहले आएगा। सेम फंक्शन उसके पेरेंट के अंदर भी हो सकता है, पर उसे वो प्रेफरेंस नहीं देगा। तो यही होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होता है जो ES6 के अंदर हमारे आया था जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।